हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई सर्टिफिकेशन बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो एमएसएमई अमेंडमेंट 2020 नहीं देखी है, सो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वो जाइए देखिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी एमएसएमई सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जब भी आप एमएसएमई सर्टिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो जिस चीज़ की आपको नीड होगी वो होगा आधार कार्ड ऑफ ऑनर। आधार कार्ड नंबर जो होता है ऑनर का, वो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको डालना पड़ेगा एमएसएमई सर्टिफिकेशन के लिए। सेकेंड आइटम जो आपको चाहिए होगा वो होगा कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑनर। आधार कार्ड जिस ऑनर का है उसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो जो आधार कार्ड के साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिंक होगा वो आप यहाँ पे डालिए। ये नीड क्यों होती है इसकी, कि जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे एमएसएमई के अंदर तो ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आधार कार्ड के ऑनर के फ़ोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए फ्रेंड्स। तो वो ओटीपी आप सेकेंड स्टेप में डालेंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए फ्रेंड्स वो है पैन कार्ड। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है सो प्रोप्राइटर कंपनी के अंदर जो इंडिविजुअल ऑनर होता है उसका पैन कार्ड लगेगा। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म से फ्रेंड, सो आपकी कंपनी का जो पैन कार्ड नंबर होगा वो आपको थर्ड स्टेप में डालना पड़ेगा। फोर्थ आइटम जो आपको चाहिए वो है फैक्ट्री एड्रेस या प्रेमाइसिस एड्रेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं तो आपका फैक्ट्री एड्रेस होगा फ्रेंड्स, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं किसी प्रोडक्ट का, कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको प्रोमाइसिस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फोर्थ स्टेप के अंदर। फिफ्थ आइटम जो चाहिए होगा फ्रेंड्स वो है जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है या आपने जीएसटी सर्टिफिकेट जब अप्लाई किया उसकी डेट, वो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी फ्रेंड्स। सिक्स्थ आइटम जो है फ्रेंड्स वो है बैंक डिटेल। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटर कंपनी है तो जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर होगा आपकी कंपनी का उसका बैंक डिटेल जाएगा फ्रेंड्स, या आपकी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कॉर्पोरेट बैंक डिटेल होती है फ्रेंड्स, वो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेशन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको डालनी पड़ेगी। सेवन्थ आइटम जो है फ्रेंड्स वो है प्रोडक्ट डिटेल। आप किस प्रोडक्ट के लिए एमएसएमई सर्टिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, सो वो प्रोडक्ट डिटेल आपके पास पूरी होनी चाहिए, कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है आपका या आपका कोई सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आप किसी प्रोडक्ट की ट्रेड कर रहे हैं तो वो इंटरप्राइजेज, वो कंपनी एमएसएमई सर्टिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब हम डिस्कस करते हैं, कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी आपके पास होने चाहिए एमएसएमई सर्टिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए। इन केस अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं सो आपको ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सो आपको पहले जीएसटी, पैन कार्ड ये सब अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप लोग एमएसएमई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एमएसएमई सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कि अगर किसी बंदे को एमएसएमई सर्टिफिकेशन अप्लाई करना है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, ये वीडियो उस फर्म्स तक पहुँच सके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।